नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी कुशवाहा। परंपरा जानते हैं क्या होती है? चलिए इसके बारे में आज मैं एक वीडियो देता हूँ। परंपरा कैसे चल जाती है, लोग कैसे मानने लगते हैं उसको, एक बार एक आदमी गंगा जी स्नान करने जाता है। सुन रहे हैं महाराज? आओ भाई, गंगा ही हटा, आओ तुलसी धर ले। एक बार मेरा धरो तुलसी। एक आदमी गंगा जी नहाने जाता है। अच्छा, गंगा जी नहाने जाता है, ठीक है। तो उसके पास एक पोटली रहती है। पोटली में पैसा रहता है, सिक्का। अब वो गंगा जी नहाने जाता है तो देखता है कि यार यहाँ तो बहुत सारे आदमी नहा रहे हैं, मैं ये कपड़ा और पोटली कैसे रखूं? रखूंगा कोई लेके चला जाएगा, उसके साथ में भी कोई नहीं था। तो कहा यार ऐसा करता हूँ, कल सुबह सुबह आऊंगा, फिर स्नान करूंगा जब कोई नहीं रहेगा। इंतजार करता है, दूसरे दिन तड़के तड़के पहुंच जाता है, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, कोई भी। जाता है, रख देता है, कपड़ा उतारता है, सोचता है यार मैं अगर ये पोटली को रख दिया, नहाने लगा, कोई आया तो लेके चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, पैसा है उसमें, कहे नहीं चला जाएगा। तुम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो वहां अंदर, तो ले जाएगा। यार ऐसा करता है, वो एक गड्ढा खोदता है, बालू हटाता है वहीं किनारे की, और पोटली को उस पे रख देता है गड्ढे पे, और बालू को ढक देता है, टीला भी बना देता है ताकि उसको याद रहे कि यहाँ पर मेरा सामान रखा है। टीला बना देता है उसी को, चारों तरफ से बालू चढ़ा देता है। नहाने लगता है, इतने में एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है उसके पीछे लगे। वो देखता है कि एक आदमी नहा रहा है और एक टीला बना है, इसका मतलब आज कोई ना कोई परंपरा है, आज कोई ना कोई पूजा होगी, कुछ ना कुछ ऐसा तो है ही है। तो वो उसका नकल करके एक टीला वहीं बगल में अपना बना देता। कहता क्या जाता है भाई, जब चल रहा है शुरू से तो हमको भी कर लेना चाहिए, जाता क्या है, कुछ लग थोड़ी रहा है। वो भी एक टीला बनाता है, नहाने लगता है। तीसरा आता है, देखता है दो व्यक्ति नहा रहे हैं, टीला पानी, इसका मतलब आज कुछ ना कुछ ऐसा करना है, होता है, होता होगा। वो भी एक वहीं बगल में बनाता है, वो भी नहाने लगता है। चौथा आता है, दसवां आता है। इस तरह से 15-20-25 आदमी जब तक वो स्नान करता है, जितने व्यक्ति आते हैं टीला बनाते जाते हैं, नहाने जाते हैं, टीला बनाते जाते हैं, नहाने जाते हैं। जब वो व्यक्ति निकला नहा करके, देखता तो वहां रेत में टीले टीले बने, टीले टीले, 10 साल आपके फांसियों में कहा था किस टीले में ढूंढो। तो आज की दुनिया यही चल रही है, एक दूसरे को देख करके कर रहा है। परंपरा होगी, बाप दादाओं की परंपरा है, कुछ फायदा हो नुकसान हो उससे पता नहीं है उसको, लेकिन अगर जो परंपरा चल रही है उसको आदमी कर रहा है, देख करके उसको करना पड़ रहा है परंपरा देख। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे परंपरा बनती है? परंपरा ऐसे ही बन जाती है, ये समझिए। मेरा कहना यही है कि परंपराएं ऐसे ही बन जाती हैं और लोग उनको ऐसे ही फॉलो करने लगते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ऐसा भी नहीं है, अगर एक आदमी तोड़ देता है कोई, बहुत सारे काम अब टूट रहे हैं, कम हो गई परंपरा, बहुत सारी परंपराएं कम भी हो गई हैं, तो ये समझिए ऐसी परंपराएं चलती हैं।
ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।